हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डे में अगर कोई पार्टी है तो आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हो जो कि विदाउट मेकअप लुक दिखे एंड काफी अच्छा और क्लियर दिखे। अगर क्लियर फेस है तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप मेरे फेस पे देख सकते हो, पूरा फेस क्लियर है, बट मुझे आंख के आसपास में डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है। तो मैं किस तरीके से मेकअप कर रही हूँ आप पूरा वीडियो देखिए। एंड बहुत सारा कमेंट आता है कि मैम इस टाइप का मेकअप बताइए जो मेकअप भी कर ले, पूरा फेस क्लीन एंड ग्लोइंग दिखे, बट लगे भी नहीं कि मेकअप किया हुआ है। तो आज ऐसी ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस का, कभी भी आप मेकअप कर रहे हो, डे है, नाइट है, किसी भी टाइम के लिए कर रहे हो, आपको सीटीएम करना जरूरी होता है। सीटीएम क्या होता है उसके लिए डिटेल में वीडियो डाली हुई है, फिर भी बता देती हूँ। क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग होता है। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, देन सेकेंड नंबर पे आपको टोनिंग करना है। कोई भी अच्छा सा ब्रांड का टोनर ले लीजिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आपको टोनर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप गुलाब जल यूज कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से स्प्रे वाला गुलाब जल लिया हुआ। अगर आपके पास स्प्रे वाला नहीं है तो आप कॉटन की मदद से पूरे फेस पे गुलाब जल को अप्लाई कर सकते हो, बट स्प्रे वाला रहता है तो अच्छे से पूरे फेस पे लग जाता है। कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो 2 मिनट का टाइम दीजिए उसको अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मत अप्लाई कीजिए, जैसे मैंने अभी टोनर अप्लाई कर लिया, इसके बाद मैं 1 से 2 मिनट का टाइम दूंगी ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे जॉय का स्किन फ्रूट यूज कर रही हूँ। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो भी आपके ऊपर सूट करता हो वो आप यूज कर सकते हो। तो इसको थोड़ी देर हम लोग सूखने देंगे अपने फेस पे। देन जो मेरे स्किन प्राइमर, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्राइमर स्किप करने की वजह से कई बार हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाता है या ब्लैक हो जाता है, तो आपको प्राइमर यूज करना है। यहाँ पे मेरा जो टोनर था वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। अब मैं मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा ज्यादा मॉइस्चराइजर लीजिएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, बट ऑयली है तो आप थोड़ा कम ले सकते हो, लेकिन लेना जरूर है। जो भी आपका पार्ट दिख रहा है बॉडी का, वहां पे आपको मेकअप इक्वल क्वांटिटी में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आपने फेस पे मेकअप कर लिया और गर्दन आपने छोड़ दिया, तो वो अलग दिखता है और मेकअप बहुत भद्दा लगता है। इसलिए जितना प्रोडक्ट आप फेस पे यूज कर रहे हो वो गर्दन पे भी जरूर यूज कीजिए। मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई कर लिया है, देन सेकेंड थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्राइमर है। हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट सारे ही बहुत अच्छे हैं, मैं काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ। आप लैक्मे का ले सकते हो, हुडा ब्यूटी, फिटमी एंड क्रिस ब्यूटी के भी प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं। हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं अक्सर हमारे नोज पे या फिर नोज के आसपास के एरिया में, फोरहेड पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो आपको प्राइमर को इन सारे एरिया में अच्छे से लगा लेना है और इसको भी 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे स्किन पे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, बाकी सारा फेस क्लीन है। तो डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए आपको ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज करना है। ये एलिगेंस का प्रो कंसीलर हाई डेफिनेशन का कलर करेक्टर है ऑरेंज कलर। अगर आपके फेस पे पिंपल्स के मार्क्स हैं, रेडनेस है कहीं पे भी, तो आप ग्रीन कलर का कलर करेक्टर यूज करोगे। एंड बहुत ज्यादा खड्डे खड्डे से हैं फेस में या फिर आपका स्किन इक्वल है, बस थोड़ा सा कहीं ज्यादा इवन मतलब पिगमेंटेशन है, तो आप येलो कलर का कलर करेक्टर यूज कर सकते हो। बट डार्कनेस के लिए आपको हमेशा ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज करना है। एलिगल्स का ये चीज, पैकेजिंग इसकी बहुत अजीब है, बाहर से प्रोडक्ट निकलता है, तो प्लीज एलिगल्स वाले आप अपना पैकेजिंग को ठीक कीजिए। और हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो उसको वेस्ट ना हो इसके लिए आप अपनी पैकेजिंग थोड़ी सी ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे फिंगर्स पे ही आ गया था बहुत ज्यादा कलर करेक्टर, तो मैं उसको अपने फिंगर से ही अप्लाई कर ले रही हूँ। मैं खुद का मेकअप करते टाइम अपने फिंगर्स का ही ज्यादातर यूज करती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। तो मुझे ज्यादा कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आईज के ही आसपास है, तो मैंने अपने आंखों पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है।
इसके बाद अपने फेस से मैच होता हुआ कंसीलर लोगे। एलेगर्स का ही प्रो कंसीलर है। जहां जहां हमने ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लगाया वहीं पे भी इसको भी अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैं मिरर में देख रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कैमरे में थोड़ा अच्छे से नहीं दिखते हैं। तो ये मेरा ऑरेंज कलर करेक्टर जितना भी लगा हुआ था वो हाइड हो गया एकदम, मेरी स्किन पे अभी डार्क सर्कल सर्कल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्किन से मैच होता हुआ फाउंडेशन लेंगे। फाउंडेशन बहुत ज्यादा डार्क अप्लाई करने से भी आपका मेकअप जो है वो ब्लैक दिखता है, तो आप अपनी स्किन से एक दो शेड लाइट ले सकते हो या फिर स्किन से एग्जैक्ट मैच होता हुआ ही फाउंडेशन अप्लाई करोगे। बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करना, बिल्कुल जरा सा। अब हल्का सा कलर करेक्टर सॉरी कंसीलर लूंगी। ये लैक्मे का कंसीलर है, बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, थोड़ा मॉइस्चराइजर है जिसकी वजह से आपको ब्लेंड करने में काफी इजी होगा। ये इतना करने के बाद से आपको सेटिंग स्प्रे लेना है जिससे कि आपका जो लुक है वो नेचुरल दिखे और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपके फेस पे दिखाई ना दे। तो आपको मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे जो लिया है, मेकअप फिक्सर जो है ये हुडा ब्यूटी का मैंने अभी मंगाया था। इसके बाद आपको तुरंत सेट नहीं करना है, आपको सेटिंग स्प्रे को पूरा फेस पे अच्छे से लगाना है जिससे कहीं पे अगर आपका जो मेकअप है वो कम ज्यादा हुआ है तो वो इक्वल हो जाए एंड अच्छे से ब्लेंड हो जाए आपकी फेस में। इसको लगाने के बाद फिर 2 मिनट छोड़ेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने स्किन से मैच होता है वो कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है। HD VLCC का ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, शेड नंबर 1 है, ये मेरा शेड नंबर है। आप अपने शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हो 2, 3, जैसे बहुत ज्यादा फेयर है तो आप 1 ले लोगे एंड मीडियम टू मीडियम तक है तो आप 2 नंबर लोगे। डार्क टू डस्क की स्किन है, मीडियम टू डस्क की स्किन के लिए आप 3 नंबर तक ले सकते हो। इसको सूखने तक मैं वेट कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पे जो आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लूंगी, इसी से अप्लाई करूंगी ताकि जो मेरा लुक है वो नेचुरल आए, बहुत ज्यादा डार्क ना दिखे। डे पार्टी मेकअप है तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे ऐसे मेकअप कीजिएगा कि नेचुरल दिखे। आउटर कॉर्नर पे आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हो बट इनर कॉर्नर पे या फ्रंट पे आपको बिल्कुल लाइट रखना है आई शेडो। फिर इसी तरीके से आपको दूसरा वाला भी फील करना है आईब्रो। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो फील कर लिया है अपना, अब कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरे मेकअप को सेट करूंगी।
इतना करने के बाद से आपका मेकअप जो है वो काफी ब्राइट दिखता है एंड नेचुरल लुक नहीं आता, तो इसके लिए आपको नेचुरल ब्लश लगाने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं ब्लश लगाने से पिंकेस आ जाता है, तो डियर आप पिंकेस मत लाइए, हल्का सा कीजिए जिससे कि आपका जो मेकअप है वो नेचुरल दिखे, बाकी कुछ नहीं। बहुत ज्यादा रेडनेस नहीं लाना है, तो उसके लिए आपको कैसे यूज करना है, थोड़ा सा ब्लश लेना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए तो आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा पिंक नहीं दिखेगा। बस इतना लगाइए तो आपका नेचुरल लुक भी आ जाएगा और आपका जो मेकअप का बेस है वो बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं दिखेगा एंड नेचुरल सा फिनिशिंग फिनिश दिखेगा। और थोड़ी देर के बाद जब आप सेटिंग स्प्रे अप्लाई करते हो तो जो आपका ब्लश वगैरह है वो नेचुरल आ जाता है, तुरंत तुरंत आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हैवी दिखता है बट थोड़ी देर के बाद ही अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप ब्लश अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद आपको हाइलाइटर यूज करना है। हाइलाइटर यूज करने के लिए आपको अपने नोज पे स्ट्रेट लाइन बनानी है, बहुत ज्यादा जैसे डे का मेकअप कर रहे हो तो कट वगैरह नहीं करना है क्योंकि वो हैवी दिखता है। अगर दिन पार्टी डे के पार्टी लुक में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन है तो आप कर सकते हो, बट आप नेचुरल लुक चाहते हो, पूजा है या फिर कोई छोटा मोटा पार्टी फंक्शन है तो आप फेस को नोज को कट मत कीजिएगा। जो हम लोग कलर करेक्टर यूज करते हैं डार्क टोन का, वो कितना भी नेचुरल दिखे तो थोड़ा सा पता चल ही जाता है, तो आप उसको यूज मत कीजिएगा डे के टाइम पे। आप सिंपली हाईलाइटर लेकर ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दोगे तो आपका जो नोज है वो साफ दिखेगा और अच्छा लुक आएगा। बहुत हैवी फेस है या फिर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप कर सकते हो, बट आपका फेस क्लीन है तो आप स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपका हाइलाइटर या ब्लश जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है तो उस केस में आप क्या करोगे, अभी बता रही हूँ मैं। आईब्रोज के जस्ट नीचे हाइलाइटर जरूर यूज कीजिएगा। डे पार्टी मेकअप है तो आप आई मेकअप को बिल्कुल लाइट लीजिएगा एंड हो सके तो आप आई मेकअप ना ही कीजिए, अपने ड्रेस से मैच होता हुआ कोई सा भी कलर पिक कीजिए और सिंपल तरीके से आप अपने आईज पे अप्लाई कर दीजिए। मेरा जो ड्रेस है वो नेवी ब्लू है बट मैं नेवी ब्लू यूज नहीं कर सकती यहाँ पे, तो मैं लाइट पिंक कलर यूज करूंगी एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये फेस पे गिर के आपके मेकअप को खराब कर देंगे। बस सिंपल तरीके से हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है। आप चाहो तो इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो अगर बहुत बड़ी पार्टी वगैरह है तो, अदरवाइज आप सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ देना है। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन है, अभी हम लोग क्या करेंगे। हाँ मैंने बताना भूल गई, अगर आपका ब्लशर या हाइलाइटर बहुत ज्यादा हो जाए तो आप क्या करोगे, आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, ब्रश नहीं लेना है एंड जहां पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वहां पे इस तरीके से प्रोडक्ट को निकाल दीजिए। तो कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ इजीली आपका जो भी एक्स्ट्रा हाइलाइटर या ब्लश लग जाता है वो निकल जाता है। ओके अब मैं अपना लाइनर एंड लिपस्टिक लगा के आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ साड़ी वगैरह डाल के। तो ये है लिपस्टिक एंड लाइनर लगाने के बाद का फाइनल लुक, लेकिन आपने सोचा सेटिंग स्प्रे मैंने पहले लगा लिया तो अभी अप्लाई करें कि ना करें, तो आपको 100% करना है। तो बस अपने आईज पे हाथ रख लीजिएगा, वीडियो बना रही हूँ, आईज पे हाथ रख लेना है। कई बार क्या होता है हमारा वाटर प्रूफ लाइनर लिखा होता है बट वाटर प्रूफ होता नहीं है, तो फैल के आपका मेकअप खराब ना हो जाए। और सेटिंग स्प्रे जब भी यूज कर रहे हो तो आपको इतना दूरी से ही सेटिंग स्प्रे यूज करना है, पास से एकदम मारोगे तो आपका जो मेकअप है वो निकल जाएगा। अब इसको सूखने देंगे। Thank you.
अब मैं पूरा अपना फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में।